आदरणीय चौहान सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हुए सभी साधकों को प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो क्लिप्स नंबर 32 यानी 32। साधक मित्रों, लगातार 4-5 दिन से आहार के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। हम सब लोग नई भोजन प्रथा में क्या खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, कब खा सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों ने जाना उपवास सबसे बढ़िया चीज है, उससे बढ़िया है एकाहार, एक ही आहार। इसके बाद में नंबर आता है रसाहार, अलग अलग जूस। और इसके बाद में कल हमने बताया कि हम फ्रूट भी ले सकते हैं, जूसी फ्रूट ले सकते हैं, पल्पी फ्रूट ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं। ऐसे सभी ड्राई फ्रूट्स भी हम ले सकते हैं, मगर इन सब चीजों को लेने के बाद हमारे सामने जो खतरा है वो भी हमने समझाया है, बात की है, क्योंकि अब इसका मल बनेगा, पेट भरेगा तो बिन जरूरी चीजें अंदर जो गई है उसका पूरा पाचन होता नहीं है, तो उसका मल बनेगा तो उसको हमें बाहर भी निकालना पड़ेगा और कहीं ना कहीं चिपकने की भी संभावना होती है फाइबर्स अंदर गए तो क्या बोलें, क्या समझाएं। इतनी खाने की छूट देने के बाद भी कई लोगों के सवाल आते हैं कि हम जूसी फ्रूट खाते हैं, पल्पी फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट भी खाते हैं, मगर फिर भी भूख तो लगती ही है, भूख तो लगती ही है, तो क्या करें, क्या खाएं। साधक मित्रों, आदरणीय चौहान सर ने हम सबके मन को समझ लिया है, परख लिया है, इंसान का मन कैसा है। हाँ, गुजराती में कहावत है ना, मन माकड़ा जेऊ छे, उसको चैन नहीं पड़ता, पूरा दिन खुराक के बारे में सोचता ही रहता है। एनडीएस जो जो लोग फॉलो करते हैं उनका पूरा दिन खाने के पीछे ही भागता रहता है, मन उसका पूरा दिन मन खाने के पीछे ही भागता रहता है। जब पका हुआ खाते थे तब पूरा दिन खाने के पीछे नहीं भागता था, खाने का वक्त होता था तब ही बनाने वाले या खाने वाले सोचते थे आज क्या बनाना है या आज क्या खाना है। खाने का बनाने से पहले, मगर एनडीएस में जुड़ने के बाद सभी लोगों के दिलो दिमाग में पूरा दिन ये बात घूमती रहती है,
अब क्या खाए, अब क्या खाए, अब क्या खाए। मित्रों ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। क्या खाए क्या खाए तो ठीक है, मगर बार बार लोग पूछते रहते हैं, बार बार लोग पूछते रहते हैं ये सिस्टम कब तक करना है। ऐसे कच्चे भोजन पे हमें कब तक रहना है? क्या बोलते हैं, कच्चा भोजन। समझ में नहीं आ रहा उसमें कच्चा क्या है। हाँ पहले भी हमने बताया था, सूर्य की गर्मी से, तापमान से हर कोई सब्जियां या फ्रूट्स जो हमें मार्केट में मिलते हैं वो पूरा पक के तैयार होकर अपने पौधे पे, अपने पेड़ पे पूरा पक के तैयार होने के बाद ही हमारे सामने आते हैं, मार्केट में आते हैं। फिर भी हम कच्चा 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 बोलते रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कच्चा नहीं है। और जो कच्चा बोलते हो उसको समझो। हाँ इन सब चीजों को हम गैस पे पकाते हैं, उबालते हैं, तभी वो कच्चा बन जाता है। मूल स्वरूप में तो वो बिल्कुल पक्का है। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, अरे कच्चा कच्चा सब कहे पर कच्चा समझे ना कोई, अरे एक बार जो कच्चा समझे हर रे उसे रोग रहे ना कोई, हर रे उसे दर्द रहे ना कोई। कच्चे भोजन को हमें यहां समझने की जरूरत है। कुछ भी कच्चा नहीं है, कुछ भी कच्चा नहीं है। समझो और उसका उपयोग करो। हमारी बॉडी में जो कोई रोग है, जो कोई तकलीफ है, वो आराम से हट जाएगी, चली जाएगी, हम स्वस्थ मस्त और निरोगी बन सकेंगे। मगर फिर भी जैसा मैंने बोला, लोगों को खाना ही है, तो क्या करें? तो आदरणीय चौहान सर ने एक और भी तरीका हमारे सामने रखा है, एक और भी तरीका। क्या? तो जैसा मैंने बताया, ये तीन चीजें तो उसमें भी है, 8 घंटे का फास्टिंग, संजीवनी क्रिया यानी एनिमा, और ग्रीन जूस। इसके बाद में जूसी फ्रूट ले सकते हैं, पल्पी फ्रूट ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। फिर भी यदि हमें कुछ खाना है तो हम सलाड भी ले सकते हैं, सलाड भी ले सकते हैं। खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, बीट है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है। हाँ हर कोई सब्जी को काट के थोड़ा सा मिर्च मसाला, लेमन जूस ये सब डाल के बहुत बढ़िया सलाड या बेल हम बना सकते हैं और उसको भी हम खा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये दिक्कत तो इसमें भी है, क्योंकि बॉडी को तो उसका भी जूस बनाना है। जितना पाचन होगा उतना पाचन होगा, पाचन नहीं होगा
तो उसको भी निकालना पड़ता है। कई लोगों के सवाल आते हैं कि ये कच्चा हम खाते हैं तो हमारे पेट में गैस होती है, या फिर ये पूछते हैं कच्चा खाने से गैस नहीं होगी क्या? ये भी सवाल कई लोगों के आते हैं। बात भी सही है, कच्चा लोग खाते हैं तो शरीर में से गैस जैसा निकलता है, गैस बाहर निकलता है, किसी को मुंह के जरिए उड़कार ओय ओय ऐसा पूरा दिन निकलता रहता है। कई लोगों को बार बार बगासे आते हैं, बगासे हाँ जैसे सोने से पहले आते हैं, वो भी गैस निकलता है। कई लोगों को वाछूट होती है, हाँ नीचे से पूरा दिन बमबारी चालू ही रहती है। मगर ये बिल्कुल गलत सोच है कि कच्चा खाने से गैस बनती है, ये बिल्कुल गलत सोच है। हम लोगों को कच्चे आलू भी खाने के लिए बोलते हैं, कच्चे आलू भी खाने के लिए बोलते हैं, तो तुरंत तो सभी लोगों का यह सवाल आ जाता है, आलू भी कच्चा खाया जा सकता है क्या? हाँ कच्चा आलू खाएंगे तो तुरंत गैस हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, कच्चा आलू खाते ही शरीर में से गैस अलग होती है, छुट्टी होती है, पड़ती है, हाँ तुरंत उसको बाहर निकलना पड़ता है। गैस तो शरीर में जो जमा हुआ मल है उससे पड़ी हुई है, उससे बनी हुई है, बाहर निकलने की जगह नहीं है, नहीं निकलती है। जैसे ही कच्चा आलू खाया या ये सब सब्जियां खाई या ये सब जूस पिया, हाँ तुरंत निकलने की जगह मिल जाती है और उसको भागना पड़ता है जहां से जो रास्ता मिला, हाँ उसको भागना पड़ता है, तो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। इसे हम रोग समझ रहे हैं कि गैस होती है, उसकी दवाइयां ले लेते हैं और फिर गैस को अंदर ही रखते हैं। कितनी छोटी सी बात है, कितनी सरल सी बात है, मगर ऐसी सरल बात को भी हम समझ नहीं सकते। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, वो भी हम बताएंगे, क्योंकि आज तक हमें जो बताया गया है, हमने जो सुना है, सुनाया गया है, हमने जो पढ़ा है, हमको पढ़ाया गया है, डॉक्टरों के जरिए भी जो हमें जानकारी दी गई है, विज्ञान के जरिए जो जानकारी दी गई है, सभी जानकारियां इसी बात पे जाती है, सभी जानकारियां इसी बात पे जाती है, और इसीलिए हम कच्चे से डरते हैं। हकीकत में तो कच्चा भोजन ही पक्का भोजन है। जो कच्चा भोजन हम समझते हैं वो ही पक्का भोजन है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कच्चा भोजन पक्का भोजन, और पक्का भोजन कच्चा, जो गैस पर चढ़ा के हम पक्का हुआ मानते हैं वो पक्का भोजन ही कच्चा भोजन है, और जिसे हम कच्चा भोजन मानते हैं वो ही पक्का भोजन है, और इसीलिए हम समझाते हैं कच्चा भोजन पक्का भोजन, पक्का भोजन कच्चा। क्या समझे यहां पर? कच्चा भोजन पक्का भोजन, पक्का भोजन कच्चा, कच्चे पक्के का भेद जो समझे वो ही साधक सच्चा, ता थैया थैया ता थै। सच्चा साधक उसे कहते हैं कच्चे पक्के का जो भेद समझे।
कच्चा आलू हम आराम से खा सकते हैं। आलू को सब्जियों का राजा माना गया है, जैसे फ्रूट्स का राजा आम है, ऐसे सब्जियों का राजा आलू है। मगर वो ही आलू को गैस पे उबाल के, बॉईल करके, ऑयल में कुछ न कुछ वेफर्स वगैरह बना के उसका इतना विकृत स्वरूप हम बना देते हैं, शरीर में नुकसान ही नुकसान करते हैं। और डॉक्टर सबसे पहले बोलेंगे आलू मत खाओ। चाहे डायबिटीज में भी बोलेंगे आलू मत खाओ, गैस प्रॉब्लम है बोलेंगे आलू मत खाओ। हाँ, पका हुआ, उबला हुआ, फ्राई किया हुआ, ऑयल में बॉईल किया हुआ, वो ही आलू नुकसान करता है। कच्चा आलू खाओ तो सही, प्रयोग तो करो। हाँ, सभी दर्दों में महत्वपूर्ण इलाज है कच्चा आलू। इसी तरह न सिर्फ आलू, सभी कच्ची सब्जियां इसी तरह हमें फायदा पहुंचाती है। और इसीलिए यहां पर फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स, पल्पी फ्रूट्स और सलाड लेने के लिए भी बोला है। सलाड भी हम ले सकते हैं। और देखो, आजकल तो सलाड का मानो एक माहौल खड़ा हो गया है। चाहे कहीं भी कोई फंक्शन हो, शादी ब्याह, हाँ कोई भी फंक्शन हो, हर जगह पे सलाड तो होता ही है। कई बार लोगों के सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं कहीं बाहर जाना हुआ, शादी में जाना हुआ, कहीं पार्टी में जाना हुआ, हाँ तो वहां हम क्या खाएंगे? अरे आप देखो तो सही, वहां जाके क्या क्या बना है, क्या क्या पका है। हाँ, शायद कोई फंक्शन या भोजन समारंभ ऐसा होगा जहां ये सलाड ना होगा। अब तो फ्रूट्स भी रखने लग गए हैं, फ्रूट डिश भी होती है, सलाद की डिश भी होती है। तो एनडीएस फॉलो करने वालों को बाहर खाने का होता है फिर भी आसान हो जाता है। हम कर सकते हैं ये सब। सूप होता है बनाया हुआ, आप थोड़ा सूप भी ले सकते हो। वैसे वो उबला हुआ है, नहीं लेना चाहिए, मगर थोड़ी यहां पर हम छूट लेते हैं, इजाजत दी जाती है कि कहीं फंस गए तो इसी तरह भी हम बच सकते हैं। ये सब चीजें लेकर भी हम बच सकते हैं। तो मित्रों, ऐसे अलग अलग तरीके से हम न्यू डाइट सिस्टम को अपना सकते हैं। बार बार हम यहां पे समझाएंगे, कई लोगों को ऐसा लगता है एक ही बात रिपीट क्यों कर रहे हैं, मैं टाइम पास करने के लिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। बार बार लोगों को इसलिए समझा रहा हूं कि न्यू डाइट सिस्टम को आप समझो, आपको क्या प्रॉब्लम है, असाध्य बीमारियां हैं, तो हो सके इतना आपको ज्यादा फास्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि लंघनम परम औषधम, उपवास ही सबसे बढ़िया औषध है, इलाज है। लंबा फास्टिंग नहीं करते हैं तो आपको एकाहार पे रहना चाहिए। असाध्य बीमारियों में एकाहार ही सबसे बढ़िया सिस्टम है। एकाहार से ऊब जाते हो तो आप अलग अलग फ्रूट जूस ले सकते हो, रसाहार जिसे हम बोलते हैं, रसाहार कर सकते हो। रसाहार से भी आप ऊब जाते हो, नहीं कर पाते हो, मन नहीं लगता है, कुछ न कुछ डिमांड रहती है, मांग रहती है,
हमने बताया आप जूसी फ्रूट्स, पल्पी फ्रूट्स, सलाड, ड्राई फ्रूट्स ये भी खा सकते हो। रिजल्ट मिलने में थोड़ी देरी लगेगी। फास्टिंग और एकाहार से जितने दिनों में रिजल्ट मिलेगा उससे ज़्यादा दिन लगेंगे। यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। रिजल्ट तो है ही मगर इंतज़ार करना पड़ेगा। साधक मित्रों, इतनी छूट देने के बाद भी अभी भी कई लोगों के सवाल आते हैं, और कुछ नहीं खा सकते क्या? खा सकते हैं, और भी कुछ खा सकते हैं, ठीक है, कल बताएंगे हम और क्या खा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ऑडियो क्लिप सुनो, सुनाओ, भेजो, सेवा का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तंदुरुस्ती।